हेलो गाइस, दिस इज मुकेश मैग एंड वेलकम टू मुकेश मैग यूट्यूब चैनल। तो बहुत बार आपने इंस्टाग्राम पे इस तरीके की तीन लेयर्स की रील्स देखी होगी जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। और अगर आप एक वेडिंग फोटोग्राफर हो तो आप चाहते भी होगे कि आप जितने भी शूट कर रहे हो क्लिप्स सभी को इस तरीके की तीन लेयर में एडिट करके इंस्टाग्राम पे अपलोड करें, ठीक है। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है। आज मैं आपको इस तरीके की थ्री लेयर की एडिटिंग प्रीमियर प्रो के अंदर किस तरीके से कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। इनडायरेक्टली आज होने वाला है प्रोफेशनल रील्स एडिटिंग इन प्रीमियर प्रो। बट अगर आप एक मोबाइल वीडियो एडिटर हो तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि सेम टू सेम प्रोसेस होता है, सिर्फ लेयर्स के अंदर थोड़े से चेंजेस होते हैं, बाकी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। और मैं आपको जितने भी प्रोसेस बता रहा हूँ सेम आप मोबाइल के अंदर भी कर सकते हो। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखते रहिए। सो लेट गेट स्टार्टेड। सो गाइज, रील्स एडिट करने के लिए सबसे पहले पूरे वेडिंग के अंदर के जो बेस्ट क्लिप्स है उसको आपको इंपोर्ट करना है। फिर आपको एक ऑडियो इंपोर्ट करना है। ऑडियो कैसे ले सकते हो, जो भी अच्छे अच्छे फोटोग्राफर है, प्रोफेशनल फोटोग्राफर है, उनके प्रोफाइल के ऊपर जाओगे तो आपको बहुत ही अच्छे जो वेडिंग के क्लिप्स के ऊपर शूट हो ऐसे ऑडियोज मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अभी सबसे जो पहला स्टेप है वो आपको क्या करना है, यहाँ से आपको सीक्वेंस लेना है, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे जाना है सीक्वेंस के अंदर, ठीक है। फिर आपको जाना है सेटिंग के अंदर, फिर आपको डिसाइड करना है कि रील्स आपको फुल HD के अंदर बनानी है या 4K के अंदर, ये डिपेंड है उसके ऊपर जो आपने शूट किया है। अगर आपने फुल HD के अंदर शूट किया है तो जो आपका रील्स है वो फुल HD के अंदर बनाओ, अगर आपने 4K के अंदर किया है तो 4K के अंदर बनाओ। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे जो साइज़ है 90:20 and 1080, मतलब लैंडस्केप के अंदर ये रील्स बनेगा, मतलब ये जो सीक्वेंस है वो लैंडस्केप है। ऐसा जो लेंथ है उसका वो है 90:20 और जो हाइट है वो कम है, मतलब 1080, मतलब ये लैंडस्केप के अंदर, बट हमें रील्स बनाना है पोर्ट्रेट के अंदर। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को उल्टा करेंगे, यहाँ पे इस वैल्यू को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ, फिर यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ इसको और इसको यहाँ पे डाल रहा हूँ 1080, और इसको मैं सिलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ पे डाल रहा हूँ पेस्ट कर रहा हूँ, मतलब आप डायरेक्टली टाइप करो भी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1080 and 90:20, इस वैल्यू को उल्टा कर देने के बाद में ये वैल्यू बन जाएगी। अब यहाँ से आपको कर देना है ओके, बट ये बनने वाली है फुल HD के अंदर। अगर आपको 4K के अंदर रील्स बनानी है तो उसका साइज़ है 3840x2160, ठीक है। बट ये कौन सा हुआ, लैंडस्केप का। अब अगर इसको आप उल्टा करोगे तो ये पोर्ट्रेट के अंदर बन जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से ओके कर रहा हूँ, अभी ये हमारा सीक्वेंस क्रिएट हो चुका है। तो ये तो हो गया हमारा स्टेप नंबर 1, क्रिएट सीक्वेंस। अभी हमारा है स्टेप नंबर 2, ऐड ऑडियो ट्रैक। अभी आपको ऑडियो को ड्रैग करके यहाँ पे A1 के ऊपर डालना है। अभी अगर आप ऑडियो देखोगे तो यहाँ पे ऑडियो बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो मैं इसको कट कर रहा हूँ और सीधा लेके आ रहा हूँ 15 सेकंड तक, ठीक है। बट आपको याद रखना है कि जहाँ पे कोई तो लाइन ख़त्म हो रही है वहाँ पे आपका वीडियो ख़त्म होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई लाइन स्टार्ट हुई है, एक वर्ड हुआ है और आपका रील्स कट हो रहा है, तो ऐसा मत करो। सीधा मतलब 15 से 20 सेकंड के बीच में जहाँ पे अभी कोई लाइन ख़त्म हो रही है तो वहाँ पे आप ऑडियो को कट करो और फाइनल ट्रैक बना लो, ठीक है। अब ये वाला जो ऑडियो मैं आपको प्ले करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि इसके ऊपर कॉपीराइट आ सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इसको म्यूट कर रहा हूँ, ओके। अब ये हमारा है ऑडियो ट्रैक, बट अभी तक ऑडियो ट्रैक रेडी नहीं हुआ है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है सेपरेट द बीट्स। अभी आपको सभी बीट्स को अलग अलग कट करके लेना है, मतलब बीट्स को डिवाइड कर लेना है। अब बीट्स की बीट टू बीट एडिटिंग के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाला कुछ दिनों पहले, अगर आप वो वीडियो देखो तो सारी चीज़ें आपको सॉल्व हो जाएगी। और बीट्स को कैसे पहचानना है, बीट्स के ऊपर कैसे कट लगाना है, बीट टू बीट कैसे वीडियोज़ बनाना है, ये सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो के अंदर बताई है। तो अगर आप सबसे पहले वो वाला वीडियो देखोगे तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा रील्स एडिट करना, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर रेजर टूल ले रहा हूँ। अब मैं इस ऑडियो ट्रैक को यहाँ पे, मतलब ये इसके सामने जो स्पेस है उसको अल्ट प्रेस करके घुमा रहा हूँ, ये जूम हो रहा है। अब आपको क्या करना है, जो भी सॉन्ग आपने ऐड करा है हर सॉन्ग के लाइन के ऊपर आपको कट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक एक सॉन्ग की लाइन है तो यहाँ पे कट करना है, फिर अगर सॉन्ग की लाइन यहाँ से यहाँ तक दूसरी लाइन है तो यहाँ पे कट करना है, फिर यहाँ से यहाँ तक तीसरी लाइन है। अब मैं कैसे पहचान रहा हूँ, देखिए यहाँ पे ये जो ऑडियो का वेव है ये धीरे धीरे कम हो रहा है, मतलब यहाँ पे साउंड धीरे धीरे कम होगा और यहाँ से अचानक साउंड बढ़ेगा, तो मैंने ऐसा अंदाज़ा लगाया है कि यहाँ से न्यू लाइन स्टार्ट होने वाली है सॉन्ग की। तो आपको ऑडियो को सुन करके इस तरीके से कट्स लगा लेने हैं। तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 3। अभी हमारा है स्टेप नंबर 4, एड वीडियो ट्रैक्स। अभी मैं सीधा वीडियोज़ के अंदर आ रहा हूँ और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देखिए
तीन तीन लेयर्स के अंदर वीडियो डालना है, तो मैं सबसे पहले जो भी वीडियोस चाहिए उसको सिलेक्ट करूंगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको कॉमन सेंसली सोचना है कि कौन से वीडियो स्टार्ट में अच्छे लगने वाले, तो वो लगा लेना। मैं सबसे पहले ये वाली क्लिप चूज कर रहा हूँ, इसके ऊपर डबल क्लिक कर रहा हूँ, ये क्लिप आ चुकी है सोर्स विंडो के अंदर। फिर यहाँ से आपको जितनी क्लिप चाहिए उतनी सिलेक्ट कर लेना है। अब मैं सबसे पहले ये वाली क्लिप ले रहा हूँ, इसके ऊपर डबल क्लिक कर रहा हूँ, अब ये क्लिप यहाँ पे सोर्स विंडो के अंदर आ जाएगी। फिर आपको स्टार्टिंग पॉइंट के अंदर आना है, जहाँ पे आपको वीडियो चाहिए आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे आना है और यहाँ पे करना है मार्क इन। फिर आपको इस पॉइंट को आगे लेके जाना है जहाँ तक वीडियो चाहिए, यहाँ तक। अब आपको कर देना मार्क आउट, बट ये जो आप ड्यूरेशन सिलेक्ट कर रहे हो ये फर्स्ट बीट तक होना चाहिए। अब मैं इसको सीधा ड्रैग कर रहा हूँ और यहाँ पे डाल रहा हूँ। अभी आप देख रहे हो तो थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा उसको कट कर दूंगा। तो देखिए मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, यहाँ से इसको यहाँ पे कट कर दे रहा हूँ, मतलब फर्स्ट बीट के ऊपर मैंने ये फर्स्ट वीडियो ट्रैक डाला है। बट ये वीडियो देखोगे तो ये आपको यहाँ पे स्क्वायर में नजर आएगा, बट इसका साइज हमें छोटा करना है, तो कैसे करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करना है, फिर आपको आना है इफेक्ट कंट्रोल के अंदर। अब मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में इफेक्ट कंट्रोल एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आपको किसी भी वीडियो का, किसी भी टेक्स्ट का या फिर किसी भी PNG का अगर आपको साइज कम ज़्यादा करना है तो आपको आना पड़ता है इफेक्ट कंट्रोल के अंदर। बट आपको सबसे पहले उस वीडियो को सिलेक्ट करना पड़ेगा, उस लेयर को सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर यहां पे आ गए। अगर आपको उसका साइज कम ज्यादा करना है तो स्केल को कम ज्यादा करो, उसके ऊपर क्लिक करके अगर राइट लेफ्ट करोगे, मतलब उस वैल्यू के ऊपर क्लिक करके, तो उसका साइज कम ज्यादा होगा, ठीक है। तो आपको जितना भी साइज चाहिए उतना साइज रखना है। अब मैं इसको साइज यहां पे रख रहा हूं। और अगर आपको इसको ऊपर नीचे करना है, ठीक है, तो ये जो है ये राइट लेफ्ट है, और ये जो है राइट वाली वैल्यू ये है ऊपर नीचे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा इसको सेंटर में रख रहा हूं यहां पे, ओके। अब मैं ऐड करूंगा नेक्स्ट क्लिप, नेक्स्ट क्लिप ऐड करने वाला हूँ ये वाली, क्योंकि ये भी लड़की की ही क्लिप है। आप अपने हिसाब से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं कि पहले लड़की की डालना है लड़की की डालना है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी आप वेडिंग फोटोग्राफर हो तो उतना तो आपको समझ आ ही जाएगा। अब यहाँ पे मैं आउट कर रहा हूँ, मार्क आउट कर रहा हूँ, और यहाँ से ये वाला वीडियो ट्रैक उठा रहा हूँ। अब आपको पता चलेगा ये भी थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, बट अगर मैं यहाँ से कट करूँगा तो ये लड़की अभी तक सामने पूरी नहीं देखी है, तो मैं करूँगा स्टार्ट वाला पार्ट थोड़ा सा कट कर दूंगा और इसको मैं पीछे ढकेल रहा हूँ, ओके। हाँ अभी मैं थोड़ा सा कट कर सकता हूँ। हाँ अभी मैंने सेकंड वीडियो ऐड किया है, बट इसका भी साइज़ बड़ा है, तो मैं इसको कैसे चेंज करूँगा, इसके ऊपर क्लिक करूँगा, इफेक्ट कंट्रोल के अंदर जाऊँगा और इसका जो स्केल है उसको कम करूँगा। अब मुझे ये जो वीडियो है ये मुझे डालना है ऊपर, तो अप डाउन वाला जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करके लेफ्ट साइड में मैं इसको खींच रहा हूँ, तो क्या हो रहा है वो वीडियो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है यहाँ पे। अब मुझे लग रहा है थोड़ा सा नीचे रहना चाहिए, और जो नीचे वाले वीडियो है इसके ऊपर क्लिक करके आपको थोड़ा सा और नीचे ले लेना है, ठीक है, यहाँ तक मैंने किया है। अब ऐड कर रहा हूँ थर्ड क्लिप, थर्ड क्लिप कौन सी भी ऐड कर लेता हूँ, इसके ऊपर डबल क्लिक कर रहा हूँ। हाँ कहाँ से चाहिए, यहाँ से चाहिए, तो यहाँ पे आके मार्क इन पे क्लिक कर रहा हूँ। कहाँ तक चाहिए, यहाँ तक चाहिए, तो यहाँ पे आके मार्क आउट कर रहा हूँ। बट ऊपर नीचे लड़की की क्लिप और सबसे नीचे फैमिली की ये अच्छी नहीं लगेगी ना, तो मैं थोड़ा सा अरेंजमेंट यहाँ पे चेंज करता हूँ। ये वाली जो क्लिप है, सॉरी ये जो नीचे वाली क्लिप है उसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, इफेक्ट कंट्रोल के अंदर जाकर इसको नीचे कर लेता हूँ। अब फैमिली की क्लिप जो है मैं बीच में डालूंगा, ठीक है, फिर से सोर्स विंडो के अंदर आ रहा हूँ और ये वाली क्लिप यहाँ पे ऊपर ऐड कर रहा हूँ। देखो ये वाली क्लिप थोड़ी सी कम है, मतलब इसका साइज थोड़ा कम है, तो मैं क्या करूँगा इसको थोड़ा सा साइज बढ़ाऊंगा। कैसे बढ़ाऊंगा, यहाँ से रेट स्ट्रेच टूल लेना है और इस क्लिप को आपको बढ़ा देना है, उससे क्या हो जाएगा वो वाली जो क्लिप है वो स्लो मोशन के अंदर आ जाएगी। अब मैं फिर से इफेक्ट कंट्रोल के अंदर जा रहा हूँ और इसका साइज कम कर रहा हूँ, ये देखिए, और मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ, ये देखिए, ये हमारी जो क्लिप है वो ऐड हो चुकी है। अब मैं प्ले करके दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए ये रील्स काफ़ी बढ़िया लग रही है, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको प्रॉपर बीट के ऊपर ही रखनी है क्लिप, उसके आगे नहीं जाना चाहिए, मतलब जहाँ पे गाने का लाइन चेंज हो रहा है वहाँ से न्यू वीडियो आएंगे। अब ये आपको तीन लेयर्स में कैसे करना है ये तो पता चल गया, बट अगर आपको यहाँ पे बीच में थोड़ा स्पेस रखना है, हो सकता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस क्लिप का बैकग्राउंड व्हाइट है और इसका भी व्हाइट है, तो यहाँ पे मिक्स आउट हो सकता है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको थोड़ा ऊपर नीचे करके आप साइज़ के अंदर थोड़ा सा एडजस्टमेंट करोगे तो आपको वहाँ पे स्पेस मिलेगा, ठीक है, ये इस तरीके से, बट क्लिप्स के ऊपर डिपेंड है, तो आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट बीट हुआ, अब इसी तरीके से आपको आगे डालने, अब ज़रूरी नहीं कि तीन ही डालने, आगे आप एक भी डाल सकते हो, उसके आगे दो भी डाल सकते हो। अब मैंने ऑलरेडी तीन बता दिया, तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि दो क्लिप्स कैसे डालने। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लिप ले रहा हूँ, ये वाली क्लिप ले रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सिलेक्शन किया है, इसको ड्रैग करके यहाँ पे डाल रहा हूँ, ठीक है। अब इस ये वाली क्लिप भी थोड़ी सी छोटी है, तो इसको मैं ड्रैग करता हूँ, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है।
अब इसको मैं क्या करूँगा, दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करूँगा, मतलब इस वीडियो को थोड़ा सा ऊपर ले रहा हूँ, साइज थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, मतलब पूरा छोटा नहीं करूँगा, थोड़ा सा बड़ा रखूँगा और उसको ऊपर की तरफ ले रहा हूँ, क्योंकि नीचे मुझे लड़की का क्लिप ऐड करना है। मतलब यहाँ पे मैं सिर्फ दो ही क्लिप्स ऐड करने वाला हूँ, ये एक ऐड करूँगा, ठीक है। इसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ और यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है। इसका भी मैं साइज थोड़ा सा कम करूँगा, मतलब पूरा कम नहीं करूँगा, इतना कम करूँगा और थोड़ा नीचे ले लूँगा। मतलब फर्स्ट टाइम हमने क्या था, क्या किया था, तीन क्लिप्स ऐड कर रहे थे, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दो ही क्लिप्स ऐड कर रहे हैं, यहाँ तक रख रहा हूँ। दोनों का साइज़ लगभग एक जैसा होना चाहिए, वरना वो इतना खास नहीं लगेगा। ओके, यहाँ तक मैंने रखा। अब यहाँ पे मैंने तीन लगाए क्लिप्स, यहाँ पे दो लगाए हैं, और उसके बाद में यहाँ पे आप तीन भी लगा सकते हो, दो भी लगा सकते हो, एक भी लगा सकते हो। अब मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही क्लिप ऐड करके दिखाता हूँ, ताकि थोड़ा सा वेरिएशन मिले, सभी मैं आपको एक जैसा नहीं करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ से स्टार्ट करना है तो यहाँ पे आके मार्क इन, कहाँ तक चाहिए, यहाँ तक चाहिए, तो मार्क आउट। अब इसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ और रख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ये एक्स्ट्रा ड्यूरेशन में कट कर दे रहा हूँ। अब इस वाले क्लिप को मैं करूँगा इफेक्ट कंट्रोल के अंदर आकर थोड़ा सा साइज बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा लेफ्ट के लेफ्ट साइड में ले रहा हूँ, ठीक है। अब इसका रीज़न बताता हूँ कि ऐसा क्यों करना है आपको। मैंने पहले तीन, फिर दो और फिर एक क्यों ऐड किया, ताकि जब भी आपका कोई रील्स देख रहा है तो स्टार्ट टू एंड, अगर आप चाहते हो कि आपका ऑडियंस पूरा वीडियो देखे, तो थोड़ा थोड़ा चेंजेस आपको करने पड़ेंगे। वरना अगर आप एक ही क्लिप डालोगे, समझो कोई कपल चलते आ रहा है और वही 15 सेकंड तक रहेगा, तो सिर्फ 4-5 सेकंड ही लोग देखेंगे, उसके बाद में उनको पता चल जाएगा कि आगे क्या है, तो वो वीडियो को छोड़ देंगे, मतलब पूरा नहीं देखेंगे। तो आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा चेंज करना है। अब यहाँ पे मैंने हमने क्लिप्स तो ऐड कर लिए, अब अगर आपको इसको कलर ग्रेडिंग करना है, तो अगर मैन्युअली करने जाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर एक सिंपल एक प्रीसेट अप्लाई कर देना है। प्रीसेट कैसे अप्लाई करना है, यहां पे जाना है आपको न्यू आइटम के अंदर, इसके ऊपर क्लिक करना है, फिर आपको जाना है एडजस्टमेंट लेयर के अंदर, फिर यहां से आपको ओके कर देना है, फिर ये वाले जो एडजस्टमेंट लेयर है इसको ड्रैग करना है ऊपर वाले लेयर के ऊपर, फिर इसको एंड तक एक्सटेंड कर देना है। अब ये जो एडजस्टमेंट लेयर है, ये एक ऐसी लेयर होती है कि जिसके ऊपर आप अगर कुछ भी काम करोगे, तो उसके नीचे जितने भी लेयर्स है उसके ऊपर वो काम होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस वाले वीडियो के ऊपर प्रीसेट अप्लाई करता, तो इन सारे वीडियोस के ऊपर नहीं होता, बट मैंने क्या किया, सभी क्लिप्स के ऊपर एक एडजस्टमेंट लेयर लिया है। अब मैं प्रीसेट इसके ऊपर डालूंगा, अभी एक्चुअली उस लेयर के ऊपर कुछ है नहीं, बट मैं जो भी काम एडजस्टमेंट लेयर पे करने वाला हूँ, वो सभी इन क्लिप्स के ऊपर ऑटोमेटिकली आपको शो करेगा। अब इस क्लिप के ऊपर मैंने क्लिक किया, अब मैं सिंपली विंडोज़ के अंदर जा रहा हूँ और फिर जा रहा हूँ ल्यूमेट्रिक कलर के अंदर। अब यहाँ पे एक बेसिक करेक्शन का ऑप्शन होता है, और इसके नीचे ही एक क्रिएटिव का ऑप्शन होता है। क्रिएटिव के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, फिर यहाँ से लुक के अंदर जाना है, और यहाँ से आपको क्या कर देना है, ब्राउज पे क्लिक कर देना है। जैसे ब्राउज पे क्लिक करोगे तो आपको कंप्यूटर ओपन हो जाएगा, फिर वहाँ से आपको प्रीसेट को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे मेरा प्रीसेट का फोल्डर है, तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, ये कोई भी एक प्रीसेट अप्लाई कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये बटरफ्लाई ऑटम ये ले रहा हूँ, और यहाँ से ओपन कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो ये प्रीसेट पूरा वेडिंग के पूरे क्लिप्स के ऊपर अप्लाई हो चुका है, और काफ़ी सही लग रहा है। बट इसका थोड़ा पावर ज़्यादा लग रहा है, मतलब ये थोड़ा कलर ज़्यादा लग रहा है, तो इस प्रीसेट की मैं जो इंटेंसिटी है उसको थोड़ा कम कर दूंगा। अभी देखिए कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ओके। बट ये तो आपको पता होगा अगर आपने मोबाइल में किया। अब आपको मैं बोनस पॉइंट बताऊंगा, अगर आपको रील्स को अट्रैक्टिव बनाना है, तो आपको रील्स के अंदर ओवरलेज ऐड करने पड़ेंगे। ओवरलेज क्या होते हैं, देखिए अब मैं प्रोजेक्ट विंडो के अंदर आ रहा हूँ, और यहाँ पे इस वाले वीडियो के ऊपर डबल क्लिक कर रहा हूँ, सोर्स विंडो के अंदर ओपन हो रहा है। अब ये जो स्पार्कल है, मतलब ऐसे कुछ क्लिप्स जिसका जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक है या फिर कोई भी है, जिसके अंदर कोई मोशन एलिमेंट्स है, तो आप उसको ओवरले बोल सकते हो। थोड़ा डीपली देखने जाओगे तो ओवरले का मीनिंग अलग है। अब मुझे, मैं अगर ये स्पार्कल्स ऐड करता हूँ वीडियो के ऊपर, तो वीडियो और भी ज़्यादा बेहतरीन लगेगा, मतलब थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेगा। तो मैं इस क्लिप को ड्रैग एंड ड्रॉप करके सीधा इस वीडियो के ऊपर डाल रहा हूँ। अब ये वाली जो क्लिप है, इसको अगर मैं इस तरीके से साइज बड़ा कर दूंगा तो चलेगा, ठीक है, बट जो साइड के स्पार्कल है वो तो चलेगा ना। तो अगर इसी क्लिप को अगर आप रोटेट भी करते हो तो भी चलेगा, तो आप अपने हिसाब से काम करो, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले, ये ब्लैक पोर्शन रिमूव करने वाले, और फिर सिर्फ हमें स्पार्कल चाहिए। तो आपको ब्लेंडिंग मोड यहाँ से कर देना है स्क्रीन, जैसे स्क्रीन करोगे तो बाकी का पार्ट रिमूव हो जाएगा, सिर्फ आपको स्पार्कल दिखेंगे। ये देखिए कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, बट ये जो स्पार्कल है सिर्फ यहीं तक है ना, आगे तो नहीं है। तो इस लेयर के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, ऑल्ट प्रेस करके आगे ड्रैग कर देता हूँ, ये देखिए वही लेयर फिर से कॉपी हो गई। अब इसके जो आगे वाला पार्ट है उसको मैं कट कर देता हूँ, ठीक है। ये एक ओवरले डाला है, अब मैं और एक ओवरले डालने वाला हूँ, ये वाला ओवरले, इसके ऊपर डबल क्लिक कर रहा हूँ। ये देखिए ये ओवरले काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है।
इसको, इसका मैं कुछ स्टार्टिंग का पार्ट कट करता हूँ, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये वाला पोर्शन मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, फिर भी बहुत ज़्यादा आ चुका है। अब मैं रेजर टूल ले रहा हूँ, यहाँ से कट कर रहा हूँ, मूव टूल लेके लास्ट वाले पार्ट के ऊपर क्लिक करके कीबोर्ड के ऊपर बैकस्पेस प्रेस करो तो डिलीट हो रहा है। बट ये जो ओवरले है ये देखिए इस तरीके से लैंडस्केप के अंदर आया, तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ, फिर जा रहा हूँ इफेक्ट कंट्रोल के अंदर, फिर यहाँ पे रोटेशन के अंदर मैं यहाँ पे डायरेक्टली 90 डाल दूंगा और एंटर कर दूंगा, तो इसका जो साइज़ है वो वर्टिकल हो जाएगा। अब मुझे इसका स्केल थोड़ा सा बढ़ा लेना है, अब मैं क्या करूँगा इसका भी ब्लेंडिंग मोड जो है वो स्क्रीन कर दूंगा। ये देखिए अभी मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखा रहा हूँ। अब अगर आपको इस रील्स को और भी ज़्यादा बेटर बनाना है तो आप इसके ऊपर टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, जैसे कि फर्स्ट वाली क्लिप है यहाँ पे आप कपल का नाम वगैरह डाल सकते हो, सिंपली आपको टेक्स्ट लेके अगर यहाँ पे क्लिक करके टाइपिंग करोगे तो टाइपिंग हो जाएगा। सो गाइस यही थी हमारी प्रोफेशनल रील्स एडिटिंग। हम फोटोग्राफर क्या करते हैं, जब भी बाहर जाते हैं तो ट्रैवल्स के टाइम पे या फिर वेडिंग पे बहुत सारे क्लिप्स तो शूट करते हैं, बट एज इट इज़ पड़े रहते हैं। हम क्या करते हैं क्लाइंट को एक बार देने के बाद में वो क्लिप्स ऐसे ही पड़े रहते हैं, तो आप क्या करो इस तरीके से उसको रील्स के अंदर एडिट करके इंस्टाग्राम पे अपलोड करते रहो, तो आपका जो अकाउंट है वो भी एक्टिव रहेगा और जो आपने बेस्ट क्लिप शूट करके रखे हैं वो वेस्ट नहीं जाएंगे, कुछ ना कुछ तो यूटिलाइजेशन उसका हो जाएगा। सो गाइस यही था हमारा आज का वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, इंस्टाग्राम पे मुझे जाके फॉलो कर सकते हो, वहां पे मैं इस तरीके के रील्स वगैरह अपलोड करता रहता हूं और यूट्यूब पर जो अपकमिंग वीडियोज है उनके भी अपडेट्स आपको यहां पे मिलते रहेंगे। और इस वीडियो के अंदर मैंने जितने भी क्लिप्स यूज करे हैं, अगर आपको वो क्लिप्स चाहिए एज अ प्रैक्टिस या फिर इंस्टाग्राम पे अपलोड करने के लिए, तो हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है वो ज्वाइन करो। ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है, लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहां से वो क्लिप्स डाउनलोड करके उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हो। और जब भी प्रैक्टिस करो तो मुझे टैग करो, मेंशन करो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा कि आपका एडिटिंग कैसा हो रहा है। सो आज के वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।